मशीन के अंदर घर के जो स्पून फॉर्क और नाइफ होती है और डेटल होती है, सबको डालिए। उसके बाद आप कपड़े साफ कीजिए, देखिए इसका कमाल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है। कपड़े तो हम रोज रोज मशीन में साफ करते, समय बचती है, सामान बचती है, सब कुछ बचता है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या हमारा नुकसान होता है जो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो होती है, हर घर में होती है वॉशिंग मशीन, जिसकी वजह से हमारे कपड़े साफ होते। जिस घर में जिस टाइप की भी वॉशिंग मशीन हो, फ्रंट लोडेड हो और टॉप लोडेड हो, तो दो टाइप की वॉशिंग मशीन का काम एक ही चीज में हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हमारे वॉशिंग मशीन का ये बहुत ही जरूरी काम, सबको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारी बहुत ही नुकसान होती है। तो देख लीजिए, वॉशिंग मशीन को मैंने ऑन कर दी, मतलब इसका ढक्कन खोल दी, और देखिए यहाँ पे एक पाउडर ले आई, और इस पाउडर का हम यहाँ पे खोलते हैं, ये डिटर्जेंट पाउडर बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम ये पाउडर को यहाँ पे खोल के वॉशिंग मशीन के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा पैकेट जो पाउडर है उसका पूरा पैकेट का इस्तेमाल मैं करूंगी। 6 महीने में नहीं तो 3 महीने में एक बार ये काम हमें जरूरी करनी चाहिए। तो इस पाउडर का हम यहाँ पे डिटर्जेंट सेक्शन में डालते हैं। तो देखिए सारा पाउडर का हम इसमें डालेंगे, दो अगर इसमें जगह नहीं हो रहा है तो साइड में डाल के पूरा पैकेट को खाली करेंगे। खाली करने के बाद हम इसका ढक्कन भी जो सेक्शन है इसको बंद करेंगे। तो देखिए इस पाउडर को हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, सब कुछ डाल देंगे और ये रैपर को फेंकते हैं। तो चलिए सेक्शन को अच्छे से बंद करते हैं। तो अभी हमारा कुछ भी काम नहीं है, हम यहाँ पे ढक्कन देते हैं, इसका कवर हम ढक देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं डेटॉल ले आई, एंटीसेप्टिक होता है ये। तो यहाँ पे थो एक ढक्कन डेटॉल भी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस इतना ही काम है, आज हमें यहाँ पे कपड़े साफ नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम ढक्कन लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे यह देखिए ये बटन है, स्टार्ट बटन है, तो यहाँ पे हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में पूरा नीचे हम लोग चले जाएंगे। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है, सारा नीचे का नंबर होता है, वो होता है टब क्लीन। तो चलिए यहाँ पे टब क्लीन मार के मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन जबा दबा दी करने का। देखिए वॉशिंग मशीन ऐसा होता है, दिन भर में इतना कपड़ा हम लोग साफ करते, 2 दिन में एक बार नहीं तो हर दिन कपड़े अपनी सदस्य के हिसाब से हम लोग सफाई के हिसाब से साफ करते। तो वॉशिंग मशीन कभी कभी हमारी ये होती है जो बहुत ही खराब हो जाती है वॉशिंग मशीन, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर हुआ क्या है। अक्सर हम क्या करते हैं, एक चीज भूल जाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं हम कपड़े तो साफ करते 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 हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन का ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, हम अपना ध्यान नहीं देते हैं, मतलब हमारा समय बचा लेते हैं, कपड़े बचा लेते हैं, लेकिन जो चीज हमारा इतना काम कर रहा है उस चीज का ध्यान थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि वॉशिंग मशीन बहुत ही महंगा होता है, तो एक बार वॉशिंग मशीन हम लेते हैं कम से कम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8-10 साल हमारी वॉशिंग मशीन चली जाए, उससे पहले ये खराब हो तो हमें बहुत ही नुकसान होती है, मतलब बहुत ही पैसा हमारा जाता है। वॉशिंग मशीन आज के जमाने में कॉमन हो गए, पुराने जमाने में तो वॉशिंग मशीन था ही नहीं, मतलब उस जमाने में लोग कहते हाथ कितना दुखता था, कितनी हमें मेहनत लगती थी कपड़े साफ करने में। तो यहाँ पे हम लोग टब क्लीन करने के लिए वो दबा दिए पानी, यहाँ पे नीचे जाके से वो ऑटोमेटिकली 1 घंटे 1.5 घंटे बाद साफ हो जाती है और पानी भी निकल गया। देखिए कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, वो जो पाउडर हमने डाला है वो पाउडर काफी है टब को, पूरा टब को क्लीन करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, टब तो हमारा खाली हो गया, क्लीन हो गया, हमें ये 1.5 घंटा लगा टब क्लीन होने, यानी कि 90 मिनट। तो टब तो क्लीन हो गई, लेकिन हमें ये इसके अंदर चम्मच का क्या काम है, तो चलिए देख लेते। यहाँ पे मैं ये जो निकाल के दिखा रही हूँ, ये भी साफ हो गई, वो टब क्लीन की चक्कर में ये भी साफ हो गई। तो इसको भी लगा लेते हैं, हमारे फिल्टर सेक्शन है इसको भी लगा लेते हैं, जहाँ पे कपड़े के रेसे लगते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम हमारा चम्मच का काम करते हैं। एक चीज हम भूल जाते हैं, ये टब तो हम क्लीन करते, बहुत सारे घर में टब भी क्लीन हो जाती है, लेकिन दूसरी काम रह जाती है वॉशिंग मशीन का, और कुछ काम रह जाता है जिसकी वजह से हमारी मशीन भी खराब होती है। तो देख लेते हैं सारा, एक दो काम तो हमारा हो गया, टब क्लीन हो गया। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम ढक्कन इसका कवर निकालते हैं, इसका ढक्कन निकाल के एक में यहाँ पे इस तरह से जो हमारा नाइफ होता है जिससे हम ऑमलेट वगैरह खाते हैं उसको लेकर आते हैं, और घर पे पुरानी सॉक्स होती है तो इससे तो पुराने चीजों से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए जिस जगह पे हमारी ये जो अंदर का हिस्सा है, इस हिस्से पे हमारी
जो अंगूठी नहीं घुसती है, कपड़ा नहीं घुसता है, हाथ नहीं जाती है, तो उस एरिया को हम इस तरह से ये नाइफ के हिसाब में साथ स्पून के साथ स्पून के पीछे वाला हिस्सा इस तरह से हम मशीन साफ करते हैं। आप देखे कि बहुत सारे घर पे मशीन का इतना गंदगी करके मशीन को रखते हैं, मशीन का टब क्लीन लोग तो कर लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन ये अंदर वाला हिस्सा कोई करता भी नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे घर पे मशीन का हालत बहुत ही खराब रहता है। तो यहाँ पे जिस जगह पे हमारे हाथ घुस नहीं सकते, इस जगह पे इतना कचरा रहता है, इतना डस्ट रहता है, मशीन आप जब भी खोलोगे कपड़े डालने के लिए, ये एरिया बहुत ही गंदा दिखता है। जब भी हमारे सामान बहुत ही गंदे दिखते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो मशीन गैरगेज होता है ये बहुत ही महंगा होता है, बहुत सारे लोगों लेने में दम निकल जाती है ईएमआई भरते भरते। और देखिए इस तरह से थोड़ी सी हम ध्यान रखेंगे, देखिए इस तरह से तो कपड़ा भी घुस नहीं सकता और हमारी अंगूठी हाथ भी घुस नहीं सकती, तो ये इतने छोटे छोटे जगह पे हम इस तरह से इसको घुसा के साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं साफ करती हूँ, पूरा मशीन साफ हो जाती है। यकीन नहीं मानोगे, अगर आप देखोगे तो ये बिलीव होगा आपको, नहीं तो हाँ मशीन तो साफ कर ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात है इसमें, टब क्लीन तो इतना बड़ी बात है नहीं, लेकिन वही टब क्लीन को भी लोग भूल जाते, 10 या 12 क्लीन के बाद टब को हमारी क्लीन करनी चाहिए, नहीं तो टब भी खराब हो जाती है। कहीं कहीं पानी खारा पानी आता है, आयरन पानी आता है, तो उसमें हमारी मशीन बहुत ही खराब हो जाती है और फिल्टर सेक्शन भी खराब होती है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हमें ध्यान रखनी चाहिए, 3 महीने में 4 महीने में इस तरह से मशीन को हम साफ करेंगे तो हमारे अंदर का हिस्सा तो साफ रहेगा, बाहर भी साफ रहेगा। जो चीज़ हम लेते हैं इतनी मुश्किल से 10-12 साल तो कम से कम चली जाएगी, वारंटी पीरियड से ज्यादा। आई होप छोटे छोटे चीजों का अगर हम ध्यान बहुत ही अच्छे से रखेंगे तो हमारी चीजें बहुत ही दिन तक चल जाएगी और बार बार हमें खरीदना नहीं पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ही महंगा होता है, हमें बार बार खरीदना बहुत ही दुखता है, मतलब बहुत ही कष्ट होती है, पैसा जाता है, इतना मोटा रकम जाता है। तो घर की गृहिणी को ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखनी चाहिए, सामान को बहुत ही दिनों तक अच्छे से यूज करने चाहिए। इस तरह देखिए जहां कहीं भी हाथ नहीं पहुंच सकता, ये स्पून की मदद से सारा साफ हो गया, दिखने भी अच्छा लगेगा, मशीन हमारा ठीक हो गया, अंदर बाहर सब कुछ चकाचक लग रहा है, तो कपड़े भी साफ है, हमारे समय मेहनत बच रही है और मशीन को भी आराम मिल गया। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक ले दोस्तों, ठीक है।